कुछ तो कंडीशन थी इसका पहले से, कुछ एक्स्ट्रा थ्योरी भी है लेकिन मैं सारा कुछ स्किप कर दूंगा। अगर इनके हिसाब ऐसा कोई डेरिवेशन आपके एग्जाम में आ जाता है ठीक है, तो ज़्यादा थ्योरी पैटर्न मत करना, तीनों समीकरण का डायरेक्ट डायरेक्ट फार्मूला लिखना और तीनों समीकरण को डायरेक्ट सीधा कर देना ठीक है। एक्स्ट्रा थ्योरी लिखने की जरूरत मत लिखना एक्स्ट्रा थ्योरी। यहाँ पे कोई पिंड माने हैं ठीक है, जो किसी आक्ष के पटता होने का दिखा रहा है, यहाँ पे ये चीजें तो आप अच्छे से समझ रहे हो ठीक है। यहाँ से आप अच्छे से जानते हो क्या होता है आपका, ये मेल लाइन जो होता है एक्सिस होता है बेटा, जिसको एक्स वाई एक्सिस बोल सकते हैं, ये वाला पॉइंट होता है, इसको आप मूल बिंदु बोलते हो कि नहीं बोलते हो। पिंड क्या होता है, इसके इर्द गिर्द कैसे घूमने गति करता है, ये सारी चीजें मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ ठीक है। तो वही बोला गया यहाँ पे, मान लो कि पिंड किसी अच्छे विपरीता घूमने गति करता है, तो यहाँ पे क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं, बस उसी बारे में पढ़ना वर्णन है, क्योंकि घूमने गति करते हुए हो सकता है उसको पूर्णी संवेग क्या हो ठीक है, रेखी संवेग क्या होगा, जड़ तो अपना क्या होगा, कैसा डेफिनेशन है, बस उसी के लिए डेरिवेशन बना है और कोई रिजल्ट नहीं है ठीक है। चलो तो यहाँ पर मान के चलते हैं, जहाँ पर नहीं एक एक करके ठीक है, पहले प्रथम समीकरण लिख लो, उसके नीचे द्वितीय लिख लेना, फिर तृतीय लिख लेना, हम बोर्ड में अपने सहूलियत के हिसाब से रहेगा हमारा बहुत कुछ ठीक है। यहाँ पे क्या है, कोणीय कोण मान के चलते हैं, कोणीय कोण को किससे दर्शाते हो, किससे दर्शाते हो, साइन यहाँ पर नंबर अल्फा, प्रारंभिक कोणीय कोणी में को किससे दर्शाते हो, ओमेगा से ठीक है। और अगर वो कोणी में प्रारंभिक हो तो उसको कैसे दर्शाते हैं, ओमेगा जीरो दर्शा सकते हैं ठीक है। प्रारंभिक को आप लोग मतलब प्रारंभिक का मतलब है बेटा कि अभी वस्तु घूमना स्टार्ट नहीं किया है, स्टार्टिंग कंडीशन है, मतलब कोणी में क्या होगा, जीरो होगा वहां पर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है बेटा, घूमने गति होती है, जिस टाइप की गति के तीन समीकरण होते हैं ना, वैसे सेम टू सेम घूमने गति के भी तीन समीकरण होते हैं। वो किस प्रकार की गति होती है, जब हम गति के समीकरण की बात करते हैं, इसका मतलब बात करते हैं रेखी गति के बारे में, रेखी गति मतलब एक सीधी रेखा में किसी चीज का चलना ठीक है। सीधी रेखा में अगर कोई वस्तु चलती है तो उसके लिए प्रथम समीकरण, उसी के लिए द्वितीय समीकरण, उसी के लिए तृतीय समीकरण। जब घूमने गति की बात करते हैं तो वस्तु किसमें चलती है बेटा, गोल गोल घूमती है किसी अक्ष के परिधान ठीक है। ये वस्तु है तो ये क्या करेगी, ये अगर एक्सिस है तो इसकी गोल गोल घूमेगी ठीक है। अगर मैं बोर्ड में दिखाऊंगा तो कुछ ऐसा दिखाऊंगा इसको ठीक है, लेकिन आप ऐसा ऐसा मत समझना कि ऊपर चुनूंगा, ऐसे ऐसे सराउंडिंग ठीक है। अगर ये एक्सिस होगा तो एक ऐसे गोल घूमेगी तो इसके परिधान चारों तरफ घूमेगी ऐसे समझ आए ठीक है। तो ये होता है यहाँ पर घूमने के बाद बार बार कर रहे हैं, यहाँ पर हम लेके चले हैं प्रथम समीकरण ठीक है। प्रथम समीकरण ये होता है आपको याद रखना है, उसके बाद किसी चीज को हम नीचे प्रूव करने वाले हैं ठीक है। यहाँ पर क्या मान के चले हैं, मान लो कोई पिंड है जो किसी अक्ष के परिधान घूमने गति कर रहे हैं, जो कि आपके यहाँ डायग्राम से समझ में आ रहा है ठीक है। तो घूमने गति करते समय पिंड में क्या क्या चीजें हो सकती है उसके बारे में बात करें, तो जब घूमने गति करेंगे पिंड तो उसका एक घूर्णी त्वरण होगा, जैसे कि कोई पिंड अगर रेखी गति करता था तो उसका एक त्वरण होता था जिसको आप लोग रेखी त्वरण बोलते थे, बोलते थे ना, तो उसको ए से डिनोट करते थे। यहाँ पर कोणीय त्वरण को किससे डिनोट करते हैं, अल्फा से डिनोट करते हैं। तो उसके बाद इसका कोई प्रारंभिक प्रारंभिक कोणीय ठीक है। वहां पर अगर वेग की बात करते हैं तो आप लोग क्या लेते थे, प्रारंभिक यू लेते थे याद आ रहा है ठीक है। तो यहाँ पर मतलब प्रारंभिक कोणीय वेग की बात करते हैं बेटा, कोणीय वेग को आप ओमेगा से दर्शाते हो, और अगर उसके साथ प्रारंभिक वेग जो था, प्रारंभिक मतलब स्टार्टिंग कंडीशन, स्टार्टिंग मतलब जहां से वस्तु क्या करती है बेटा, चलना शुरू करती है। अगर वस्तु चलना यहाँ से शुरू कर रही है और यहाँ पर क्या है, सबसे पहले इसका वेग क्या होगा, जीरो होता है, स्टार्टिंग वेलोसिटी को जीरो लेते हैं, तो यहाँ पर हम लोग ओमेगा जीरो ले लेते हैं, क्योंकि कोणीय वेग किससे दर्शाते हैं, ओमेगा से। तो प्रारंभिक के लिए क्या लगा देंगे, ओमेगा जीरो। आई होप सो आपको समझ में आ रहा होगा, आ रहा है बेटा,
ठीक है ना। 30 सेकंड के पश्चात पूरी में आप क्या होगी, ये जो वस्तु है चलना शुरू कर दी, ठीक है, मतलब उसके गोल गोल अब घूमना स्टार्ट कर दी, ठीक है। तो अगर प्रारंभिक वेग ओमेगा जीरो होगा तो थोड़ी देर चलने के बाद उसके वेग में कुछ ना कुछ परिवर्तन होगा, बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, तो उसका पूर्णी वेग थोड़ा सा बढ़ गया मान के चल रहे हैं, आप क्या हो गया ओमेगा हो गया, ठीक है। ये दोनों तीनों कंडीशन आपको आप समझ में आया, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कोणीय त्वरण की परिभाषा से, ठीक है। अब कोणीय त्वरण के हिसाब से कोणीय त्वरण को आप लोग किससे दर्शाते हो, अल्फा से दर्शाते हो, अल्फा इज इक्वल टू डेल ओमेगा अपॉन डेल टी होता है, चैप्टर नंबर 5 पढ़े होंगे। हाँ, कोणीय त्वरण में क्या होता है, कोणीय वेग, ठीक है, कोणीय वेग में परिवर्तन की दर अपॉन समय, ठीक है। अल्फा क्या है, कोणीय त्वरण, नहीं अंतिम नहीं है, ठीक है, 30 सेकंड पश्चात कुछ देर पश्चात, दो ही कंडीशन ले सकते हैं, या तो प्रारंभिक लोग या अंतिम लोग इसको लेके चल सकते हो, ठीक है, लेकिन अंतिम मानते चले, ये मानते चले कि थोड़ी देर पश्चात, ठीक है। यहाँ पर प्रारंभिक अंतिम नहीं है, यहाँ पर हम दो कंडीशन की बात कर रहे हैं, एक स्टेप स्टार्ट होता है तो और एक कुछ देर की बात, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर दो ही कंडीशन दर्शा नहीं चलते रहेगा, लेकिन कुछ देर बाद उसकी वेलोसिटी में चेंजेस आ जाता है, पहले स्टार्टिंग में तो जीरो था ना, कुछ देर बाद उसकी कोई वेलोसिटी होगी जिसको हम लोग क्या मान के चल रहे हैं, ओमेगा मान के चल रहे हैं, ठीक है, बस यही है, रुकता नहीं, प्रारंभिक और अंतिम होगा, अंतिम अगर मान के चलो बेटा तो वस्तु रुक जाएगी, अंतिम मतलब उसके आंखों को जा ही नहीं सकता, अगर अंतिम को भी अगर अंतिम में जाके अगर रुक गई तो यहाँ भी मेरे को जीरो लगाना पड़ जाएगा, समझ में आ रहा है, प्रारंभिक और अंतिम, ठीक है, लेकिन यही है अंत, इसलिए इसको अंतिम करके डिफाइन नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर घूर्णी गति की बात हो रही है, रेखी की नहीं, घूर्णी गति में क्या होगा, जिस पॉइंट से वो चलना शुरू करेगा उसके बाद उसको एक निश्चित समय बाद उसी पॉइंट पर दोबारा आना होगा, आना होगा कि नहीं, इस वजह से, ठीक है, यहाँ पर ओमेगा ही चल रहा है, तब क्या हो गया कोणीय त्वरण की परिभाषा से अल्फा इज इक्वल टू कितना होता है डेल ओमेगा अपॉन डेल टी, ठीक है। अब बिल्कुल ओमेगा और डेल ओमेगा है, मतलब इसमें क्या होता है कोणीय वेग में परिवर्तन हो रहा है, मतलब एक स्थिति से दूसरी स्थिति तक, तो एक स्थिति से दूसरी स्थिति में क्या होता था, आपके पास यहाँ पर कितने कोणीय वेग हैं, दो टाइप के हैं, पहला प्रारंभिक कोणीय वेग और दूसरा 30 सेकंड पश्चात कोणीय वेग, ठीक है। तो मेरे को बताओ ये बड़ा होगा कि ये बड़ा होगा, ये वाला बड़ा होगा, इसको पहले लिखेंगे, लिखते हो कि नहीं लिखते हो, जैसे कि प्रारंभिक माइनस अंतिम लिखते थे सेम वैसे, ठीक है, तो अंतिम वाले को बड़ा लेंगे तो ओमेगा माइनस ओमेगा जीरो लिख सकता हूँ, ठीक है। और देखो ये डेल टी है, डेल टी क्या होता है, समय अंतराल होता है, तो कोई ना यहाँ से इसको यहाँ से यहाँ तक आने में कोई ना कोई समय लेता हूँ टी समय, ठीक है, डेल टी में समय का यहाँ पे अंतराल नहीं ले सकते, ठीक है, समय का अंतराल नहीं, हम टी समय मान के चल रहे हैं, पर्टिकुलर टाइम दिया रहता है कि यहाँ से इसको यहाँ तक आने में 2 या 3 सेकंड होगा, तो इसके हिसाब से लगा लेते कोई इंटरवल लेना पड़ता है, यहाँ पे टी समय अंतराल लेके चल रहे हैं, कोई भी समय अंतराल हो सकता है, ठीक है। तो अल्फा इज इक्वल टू यहाँ पर क्या हो गया, टी को इधर ट्रांसफर कर दो, इसको अल्फा टी लिख सकता हूँ, इसको इधर मल्टीप्लाई करके लिख सकता हूँ ना, ठीक है। तो अल्फा टी इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा, ओमेगा माइनस ओमेगा जीरो, ठीक है, अगर ये माइनस है ओमेगा जीरो है ना, इसको इधर ला देता हूँ तो ओमेगा का मान निकल जाएगा, नहीं यहाँ पर डेली समय में परिवर्तन है, लेकिन क्या होगा अगर मैं पर्टिकुलर दो समय अंतराल लेता हूँ, ध्यान देना समय में देना, अगर मैं यहाँ पे क्या लेता हूँ मान के चलिए ये जब थी तो ये जीरो समय का जीरो समय में से होगी, मैं जीरो मान के चल रहा हूँ, ठीक है। अगर ये यहाँ से यहाँ तक आने में कितना टाइम दिया बेटा, 5 सेकंड का टाइम दिया, ठीक है, ये 5 सेकंड का, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक आने में 5 सेकंड ले रहा है, तो 0 माइनस 5 कितना हो गया 5, और समय को कभी ऋणात्मक नहीं लेते हैं, हम से समय का मान ऋणात्मक नहीं होता, समय हमेशा धनात्मक दिशा में ही चलता है, ठीक है, इसलिए ऋण चिन्ह का यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हम उपेक्षा कर सकते हैं, तो 0 माइनस 5 क्या है, 5 ही आया, तो 5 यहाँ पर इंटरवल क्या है, टी ही आया कि नहीं आया, एक ही समय आया ना आपके पास, ठीक है, तो इसलिए पर्टिकुलर एक ही टाइम लेके चाहे इंटरवल क्या सभी, ठीक है। चलो यहाँ पर कितना हो गया अल्फा टी, अल्फा टी इज इक्वल टू ओमेगा माइनस ओमेगा जीरो, माइनस ओमेगा जीरो को उधर ट्रांसफर कर दो तो ओमेगा का मान निकल जाएगा, ठीक है, यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, ओमेगा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा जीरो सीधा लगा दो तो कितना हो जाएगा, ओमेगा जीरो प्लस अल्फा टी लिख सकता हूँ, ठीक है, ये हो जाएगा आपका प्रथम चरण। इसी तरीके से हम लोग गति के प्रथम चरण को सेम है, कोई अंतर नहीं है, ठीक है, तो दोनों को अगर एक साथ रिलेट करोगे तो आप करने में बहुत ज्यादा आसान है, बस प्रॉब्लम क्या है इसी तरीके से बनाते हैं, हाँ सेम, लेकिन ये अल्फा तो याद रखना पड़ेगा, ठीक है, और कोणीय वेग मतलब ओमेगा याद रखना पड़ेगा, बाकी उसको बनाने को मैंने
हाँ सेम है, ठीक है, बहुत आसान हो जाएगा। यही क्या है आपका प्रथम समीकरण है, यही घूर्णी गति का प्रथम समीकरण है। बना लेगी नहीं प्रथम एग्जाम में लिखना ना खाई। चलिए प्रथम देखो एक चीज और बता रहा हूँ, यहाँ पे जो चीजें लिखे हैं ना ये प्रथम समीकरण में हम लिख चुके हैं, पहला दूसरा और तीसरा, तो हर समीकरण में इसको नहीं लिखना, पहले भी ये चीजें बता चुका हूँ जब वो बनाते ना गति की तीनों समीकरण तब, ठीक है। तो यहाँ दोबारा इसको बार बार नहीं लिखना, एक जगह लिख दिया ना तीनों समीकरण ऐसा पूछा गया तो बाकी भी लिख दो एक संभव, ठीक है। लेकिन हाँ पर्टिकुलर पूछ दिए कि द्वितीय समीकरण ही लिखो तब आपको तीनों के तीनों मेंशन करना पड़ेगा। इधर जैसे यहाँ पे क्या होता है बेटा, यहाँ पे मेरे को मैंने बताया ना कि अल्फा क्या है, ओमेगा जीरो क्या है, ओमेगा क्या है बताया ना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता था, अगर आपको तीनों को एक साथ पूछ दिया जाए तो आप इन तीनों चीजों को एक ही जगह मेंशन करोगे, प्रथम समीकरण में लिख दिए, बाकी में मेंशन नहीं करना है, डायरेक्ट डेरिवेशन दे रखा है। हाँ ठीक है, जैसे सेम टू सेम ऐसा कंडीशन आया था आपको, गति के तीनों समीकरण कभी कभी क्या होता है तृतीय पूछ देता है, कभी द्वितीय पूछ देता है, कभी तीनों पूछ देता है, तो वही सेम टू सेम यहाँ पे कंडीशन हो सकता है। अब इसकी बात करें हम लोग द्वितीय समीकरण डिराइव करने वाले हैं, द्वितीय समीकरण के हिसाब से हम पिंड के जो कोणीय त्वरण है मतलब क्या मान के चल रहे हैं, पिंड नियत कोणीय त्वरण से घूर्णी गति कर रहे हैं। हाँ नियत का मतलब होता है बेटा एक समान, ठीक है, कॉन्स्टेंट ऐसा, जैसे मैं बताया था ये अगर चल रहा है तो लगातार इसी कोणीय त्वरण से ऐसे चलते जा रहा है, ठीक है। मतलब अगर कोणीय त्वरण ये कोणीय वेग है तो नियत में क्या होता है एकदम कॉन्स्टेंट स्पीड से चल रहा है, ठीक है। तो यही है, अब इसमें क्या होता है क्या मान के चल रहे हैं इसका औसत कोणीय वेग मान के चल रहे हैं। तो ध्यान देना यहाँ पर क्या हो रहा है, पहले कंडीशन में तो क्या हो गया जीरो था, आप यही मान के चल रहे थे ना पहले कंडीशन में क्या कहे जीरो था, थोड़ी देर पश्चात इसका क्या मान के चल रहे हैं यहाँ पर वेग ओमेगा मान के चल रहे हैं। अब ओमेगा की कंडीशन में क्या है, ये स्टार्टिंग में तो जीरो से ही शुरू हुआ लेकिन एक बार अगर ये शुरू हो गया तो एक कॉन्स्टेंट वेग से इसी वेग से चलते जा रहा है, समझ में आया। तो इसे हम लोग कहते हैं नियत, नियत का मतलब जिसका मान समय के साथ ना बढ़े। अब समझ में आया, एक समान कोणीय त्वरण से घूर्णी गति कर रहे हैं लिख सकते हैं, पिंड एक समान हाँ बोल सकते हैं एक समान घूर्णी गति कर रहा है, घूर्णी गति को लिखे हैं पिंड नियत कोणीय त्वरण से घूर्णी गति कर रहा है एक समान है, आप बिल्कुल लिख सकते हैं वो नियत मतलब स्थिर रहना भी होता है, हाँ बिल्कुल नियत मतलब स्थिर रहना भी होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर बोल रहे हैं कि घूर्णी गति कर रहा है, घूर्णी गति से तो स्थिर तो नहीं होगा अगर घूर्णी गति कर रहा है, ठीक है, लिख सकते हो नियत की जगह एक समान वर्ड इस्तेमाल कर सकते हो, दोनों वर्ड का मीनिंग बिल्कुल सेम है, ठीक है, लिख सकते हो यहाँ पर पिंड एक समान कोणीय त्वरण से घूर्णी गति कर रहा है, बिल्कुल लिख सकते हो, ठीक है, प्रीफर कर सकते हैं यहाँ पे लिख लेना, लिखोगे तो लिख लो, ठीक है, यहाँ पे छोटा सा एक समान लिख लेना, वैसे यहाँ लिख तो बहुत खराब हो, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर हम इसकी बात कर रहे हैं औसत कोणीय वेग की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो औसत कैसे निकालते हो आप लोग, औसत के लिए प्रारंभिक प्लस अंतिम, ठीक है, यहाँ पर तो इसको ऐसा लिख देते हैं प्रारंभिक प्लस अंतिम, ठीक है, दो पद है दो लिख दिए तीन हो गए, तो नीचे तीन लिखते हैं चार होता है चार लिखता है, औसत निकालना सबको आता है, ठीक है। तो ये क्या निकल गया आपका औसत कोणीय वेग निकल गया। उसके बाद इसको अगर मैं थोड़ा सा और सॉल्व करूँ तो इसको ऐसा लिख सकता हूँ ओमेगा ओमेगा जीरो प्लस ओमेगा का मान आप पहले भी निकाल दो प्रथम समीकरण में देखो निकाला होगा, ठीक है, यहाँ से क्या कर दो बेटा प्रथम समीकरण का मान पुट कर दो कितना है ओमेगा जीरो प्लस अल्फा टू है ना डिवाइडेड बाय, ठीक है, चलो थोड़ा सा इसको और सॉल्व करें, यहाँ पे ओमेगा ये कहाँ से आया लिखूँ क्या यहाँ पे, चलो इसको थोड़ा सा इधर थोड़ा सा इसको क्या कर देती हूँ इधर देते हैं फिर आ जाए, यहाँ पर क्या कर सकते हैं इसको, इसको लिख सकते हैं ओमेगा जीरो प्लस अल्फा टी अपॉन
ठीक है, कहां से आया प्रथम समीकरण से, ठीक है। अब गति को प्रथम समीकरण में नहीं जाना, प्रथम समीकरण ठीक है, नहीं देखा यहाँ पे लिखा हुआ है प्रथम समीकरण, इसको बनाओ ठीक है, प्रथम समीकरण है तो यहाँ से तो कैसे पता चलेगा। चलो प्रथम समीकरण पे जो मान है उसको लिखा है, जैसा भी समझो समझना है कितना पड़ेगा। यहाँ पे प्रथम समीकरण में ऐसे शुरू में मान लिख दिया हूँ ठीक है, और तू भी उसी को कर रहा है यही से है टेंशन नहीं लेना ठीक है। चलो यहाँ पर उसके बाद क्या कर सकते हैं इसको, ये हो गया ओमेगा जीरो प्लस ओमेगा जीरो दो बार है ना, तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, टू ओमेगा जीरो प्लस अल्फा अपॉन कितना है ठीक है। चलो आप यहाँ से थोड़ा सा और इसको सही वर्ड में लिखना चाहें तो दोनों को एक साथ डिवाइड कर दो, क्या ओमेगा जीरो बाई टू प्लस अल्फा टी अपॉन टू चलेगा ठीक है, टू से टू कैंसिल आउट ठीक है। यहाँ पर क्या लिख सकते हो इसको मैं, ओमेगा जीरो प्लस वन बाई टू अल्फा टी ठीक है। आप देखो औसत कोणीय वेग किसने दर्शाते हो आप लोग, ओमेगा जीरो ओमेगा जीरो है औसत कोणीय वेग हो गया ठीक है, यहाँ तक आ गया। इसके बाद क्या किया कोणीय विस्थापन लगाया गया है यहाँ पे, उसके किससे अभी थीटा नहीं आएगा, यहाँ से थीटा का मान जब आएगा तो नहीं बचा ठीक है। चलो यहाँ पर लगाते हैं अतः कुल कोणीय विस्थापन, कोणीय विस्थापन किससे दर्शाते हैं ठीक है, कोणीय विस्थापन इज इक्वल टू आपका क्या होते हैं कोणीय वेग इन टू समय, औसत कोणीय वेग औसत कोणीय वेग इनटू क्या ठीक है। अब क्या होता है यहाँ पर कुल कोणीय विस्थापन की बात कर रहे हैं, यहाँ पर आपके औसत कोणीय वेग जो है वो हो जाएगा इनटू समय ठीक है, दोनों चीजों को यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो कोणीय विस्थापन को आप लोग किससे दर्शाते हो, थीटा से दर्शाते हो, दर्शाते हो कि नहीं दर्शाते हो ठीक है, याद करो याद आ जाएगा। और औसत कोणीय वेग आपको मान दिया गया, यहाँ पे औसत कोणीय वेग कितना है ये निकला, क्या निकला है ओमेगा जीरो प्लस वन बाई टू अल्फा टी ठीक है, और समय का मान क्या हो जाएगा आपके लिए, तो यहाँ से थीटा क्या हो जाएगा आपका, ये समझ में आ रहे ना, ये पूरा वैल्यू यहाँ पर जैसा फॉर्मूला जो सिक्स सीक्वेंस सबमिट किए हैं, औसत कोणीय कुल कोणीय विस्थापन का मान कितना होता है थीटा, कोणीय विस्थापन को थीटा से लिखते हैं, औसत कोणीय वेग ठीक है बेटा, औसत कोणीय वेग का मान आपको कितना निकला था वो यहाँ पे पुट कर दिया इनटू समय लिखा है मतलब टी का मान पुट कर दिया। अब इतना आया पूरे थीटा का वैल्यू, अब इसको मैं यहाँ पे क्या करूँ अंदर टी को मल्टीप्लाई कर देता हूँ, अंदर टी को मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा ओमेगा जीरो टी प्लस वन बाई टू अल्फा टी का स्क्वायर इतना लिख सकता हूँ ठीक है। ये आ गया आपका सेकंड समीकरण, यही क्या है द्वितीय समीकरण है आप छुट्टी मिलेगा ना इसी के बाद चल पा मच्छर भी सुन लिया मैंने प्रथम समीकरण ठीक है। चल प्रथम समीकरण क्या था हमारे पास ये था ठीक है, ये क्या हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर इसका पूरा वर्ग कर रहे हैं ध्यान हाँ, तो कोणीय विस्थापन है ना डेल क्लियर होता है डेल समेशन को दर्शाता है ठीक है, लेकिन यहाँ पर किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक फॉर्मूले की बात करें ना तो डेल का इस्तेमाल यहाँ नहीं होती ठीक है, क्योंकि यहाँ पर थीटा के हिसाब से निकालना पड़ेगा, नहीं तो आपका जो डेल थीटा का लिखोगे तो लास्ट में क्या आएगा जो डेल थीटा का मान आएगा वो टोटल जो वैल्यू निकलेगा उसका समेशन आ जाएगा ठीक है, थीटा से भी दर्शाते हैं। चलो प्रथम समीकरण
समीकरण को वर्ग करते हैं, प्रथम समीकरण देखो आपके पास ये है प्रथम समीकरण, ठीक है, तो दोनों पक्षों को वर्ग करूंगा कितना जाएगा इधर वाले का ओमेगा स्क्वायर, दूसरा पद क्या है आपके पास ओमेगा जीरो प्लस अल्फा टी है स्क्वायर, ठीक है। अब आप लोग अच्छे से जानते हो एक चीज, जानते हो क्या जानते हो आप लोग, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, क्या होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी और ए प्लस, नहीं सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, नहीं सर ए प्लस टू ए बी, ठीक है, यहाँ पे ए है, जिसको थोड़ा ऐसा लिख देता हूँ, बाहर याद आ गया सर, यहाँ पे लिख देता हूँ, ये होता है बेटा ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस क्या हो जाएगा बी स्क्वायर, ठीक है, यह होता है फॉर्मूला ए स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। अंकिता यह आ रहा ना समझ में, ए प्लस बी का होल स्क्वायर पता है ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस क्या होता है बी स्क्वायर, ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला है बेटा मैं क्या करता हूँ यहाँ पे पुट कर देता हूँ, क्यों पुट कर रहा हूँ क्योंकि ये भी उसी फॉर्मूले के फॉर्म में है, ठीक है, चलो तो पुट करते हैं इसको कितना आ जाएगा, सबसे पहले ओमेगा, हाँ कौन बताते हैं इस फॉर्मूला के लिए, जहां भी ऐसा कंडीशन आए ठीक है, जहां भी ऐसा कंडीशन आए वहां पे आपको यही फॉर्मूला इस्तेमाल करना है, यहाँ पे हम लोग यहाँ से लिए तो स्टार्टिंग में लिखे ना प्रथम समीकरण का वर्ग करने का, तो प्रथम समीकरण का वर्ग मतलब इधर वाले का वर्ग हो जाए तो इधर वाले का भी वर्ग हो जाए, तो दोनों तरफ क्या कर दिए बेटा वर्ग कर दिए, ठीक है, चलो इसको करें, उसके बाद क्या हो जाएगा इसका स्क्वायर करो, सबसे पहले क्या करोगे ए स्क्वायर, ठीक है, तो ए कौन सा है ये है, यहाँ पे ए है तो ये क्या बेटा टोटल का टोटल बी है, ठीक है, यहाँ से लिखो देखो ये है ना तो मैं क्या लिखूंगा इसको ओमेगा जीरो का स्क्वायर प्लस उसके बाद क्या लिखना है टू ए बी, ठीक है, तो ये ए है ये क्या है बी है तो क्या लिखूंगा इसको टू ओमेगा जीरो अल्फा टी, ठीक है, प्लस यहाँ से टू अल्फा को बाहर निकालना, ठीक है, कैसे निकलेगा ध्यान देना, यहाँ से देखो यहाँ पर क्या होता है यहाँ पे एक स्टेप दिख रहा है, चलो डायरेक्ट निकालूंगा तो दिमाग भरना पानी हो जाएगा, यहाँ पर ध्यान देना मैं इसको एक स्टेप और बढ़ाऊँ, ठीक है, तो आपके आप लोगों को समझ में आया टू ओमेगा जीरो अल्फा टी प्लस, अब ध्यान देना यहाँ पे मैं क्या करूँ ऊपर में भी टू का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ नीचे में भी टू का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ध्यान देना मैं क्या करूँ ऊपर में टू का मल्टीप्लाई किया और इसको क्या लिखा अल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर और नीचे भी उतने का भाग दे दिया, क्या यहाँ पर ये इन पदों में कोई अंतर आ गया, मैं जितने का मल्टीप्लाई किया उतने का भाग दे दिया तो दोनों का फिट के क्या हो गए रफा दफा मतलब मान कितना हो जाएगा वन हो जाएगा, होता है कि नहीं होता है, ऐसा कर सकते हैं मैथमेटिक्स में ये चीजें हमें समझा रहे हैं, मान के चले बेटा कोई भी यहाँ पे अगर मैं चार बटे चार भी करूँ तो भी कर सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि दोनों कटने के बाद कितना होता है मान एक होता है, और एक नहीं यहाँ पे समझ नहीं आएगा जब भी पढ़ोगे ना इसको पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाओगे, यहाँ पे क्या किया है सर पहले नहीं पड़ेगा इस वजह से एक स्टेप बढ़ा लो, अभी समझ में आएगा यहाँ से कॉमन निकालूंगा ये ओमेगा टी ये फॉर्मूला है यहाँ पे उसके पहले वाला ये वाला यहाँ ये फॉर्मूला है टू ए बी ये वाला ए देखो मैं सबसे पहले टू लिख रहा हूँ, ठीक है, ये देख मैं टू लिख रहा हूँ यहाँ पे क्या लिखा मैं सबसे पहले टू अब यहाँ पे ए क्या है ये वाला है ना ये है नहीं तो इसको मैं क्या लिखूंगा ओमेगा जीरो फिर बी क्या है बी देख यहाँ पे बी क्या है टोटल अल्फा बी है कि नहीं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ अल्फा बी ये आ नहीं है इसके बराबर है कि नहीं है हाँ दो बटे दो को माने हैं दो का गुणा करें और दो का भाग दिए फायदा मिलेगा अभी बता रहा हूँ क्यों मिलेगा यहाँ से मैं टू अल्फा कॉमन निकाल पाऊंगा देखो मैं यहाँ से टू अल्फा कॉमन निकालना चाहता हूँ ठीक है लेकिन यहाँ पे टू अल्फा नहीं है मेरे पास यहाँ पे टू है क्या अल्फा पास है टू है नहीं है इस
वजह से मैं यहाँ पे ऐसा मल्टीप्लाई कर रहा हूँ ताकि मेरे को यहाँ से टू अल्फा मिले। हाँ, और टू अल्फा में क्यों निकाल रहा हूँ पता है? ताकि मुझे ये समीकरण मिले। कौन सा? ये मिले, ताकि मैं उसे पुट कर दूँ। ठीक है, ऐसा तो ध्यान दे। चलो अब ये हो गया ऐसा। ठीक है, अब ध्यान दो, अब मैं यहाँ से टू अल्फा कॉमन निकाल सकता हूँ। ध्यान दें, उसको लिख देता हूँ अच्छे से। ये टू अल्फा स्क्वायर, ये क्या होगा बेटे? टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय कितना होगा? ठीक है, चलो यहाँ से करते हैं। ओमेगा स्क्वायर, ये क्या हो गया? ओमेगा जीरो पाई स्क्वायर प्लस, यहाँ से टू अल्फा निकाल रहा हूँ। ध्यान दें, अब ये पूरे स्टेप से, ये जितने स्टेप दिख रहे हैं यहाँ से, मैं क्या करता हूँ? टू अल्फा कॉमन लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे टू है, यहाँ पे अल्फा है, यहाँ पे टू और यहाँ भी एक अल्फा है कि नहीं है? यहाँ से टोटल टू अल्फा कॉमन निकालो। अंदर में क्या बच गया? चलो बताओ अंदर में क्या बचा? ओमेगा जीरो, फिर क्या बचा? ओमेगा जीरो प्लस ओमेगा जीरो टी बचा अंदर में। यहाँ पे देखो इतने स्टेप, ओमेगा जीरो टी बचा प्लस यहाँ पे एक ऊपर वाला टू निकल गया, ऊपर वाला टू निकल गया। यहाँ पे क्या बचा? वन बाई टू, और एक अल्फा बचा है, और क्या बचा है? टी स्क्वायर। अब देखो ये वाला इक्वेशन देखो और ये वाला इक्वेशन देखो, दोनों सेम है क्या? ये वाला और ये वाला इक्वेशन सेम है। यहाँ पे मैं इसके अलावा बराबर ठीक है लिख दूँ, वहाँ पे लिख सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे लिख देना तृतीय समीकरण से, क्या लिखोगे? तृतीय द्वितीय, क्यों लिखी मेरा द्वितीय है ना, द्वितीय समीकरण। ठीक है, चलो मैं आपको बता रहा हूं यहाँ पे क्या है। ओमेगा, ओमेगा जीरो का स्क्वायर प्लस टू अल्फा, और ये क्या हो गया बेटा? थीटा। लिख दो इसके अलावा थीटा सीधा, हो गया नहीं? चलो इतना जगह है तो एकदम आराम से लिखते हैं। ठीक है, अरे कुछ नहीं है, वही है। गति के द्वितीय समीकरण से, गति नहीं रे, हाँ द्वितीय समीकरण से, घूर्णी लिखना पड़ जाएगा। तो द्वितीय समीकरण से, समीकरण से थीटा का मान रखने पर, ऐसा लिख सकते हो। ठीक है, अच्छे से पढ़ ले पढ़ेंगे। चलो आप इसके अलावा भी लिख सकते हो, इसके बराबर ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया? ओमेगा जीरो प्लस टू अल्फा थीटा। ये क्या है बेटा आपका? तृतीय समीकरण, यही घूर्णी गति का, घूर्णी गति का तृतीय समीकरण है। चलो ठीक है, आयो समझ में आया नहीं आया?